मध्य प्रदेश में शुक्रवार को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव में शामिल होने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों को नमन किया और अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने देश के दुश्मनों को आगाह करते हुए कहा कि देश को कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि बच्चों को अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल घुमाने के लिए भेजा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत आज इतना मजबूत हो चुका है कि भारत की ओर कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास सदियों पुराना है। अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों पर बम का धमाका किया। शहीद भगत सिंह कभी मौत से नहीं डरे। हजारों क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए जान दी। सीएम ने अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, अहिंसा जैसे अस्त्रों को लेके अहिंसक आंदोलन, और दूसरी तरफ गरज रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे अमर सेनानी, जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र भारत की धरती पर मणिपुर में और अंडमान निकोबार में तिरंगा झंडा लहरा के भारत को स्वतंत्र करने का ऐलान कर दिया था। आजाद हिंद फौज का कमाल है। एक एक सेनानी के बारे में, एक एक क्रांतिकारी के बारे में अगर कहें तो घंटों लग जाएंगे। मुझे याद आता है चंद्रशेखर आजाद। मित्रों, इसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी साबरमती से जो 12 मार्च को गांधी जी ने दाढ़ी यात्रा प्रारंभ की थी, आज का ही वो दिन है। आज उस यात्रा का वहां से एक शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी और अमृत महोत्सव का प्रारंभ आज उस माध्यम से गुजरात के अंदर साबरमती के आश्रम से कर रहे हैं। आज की जो नौजवान पीढ़ी यहां पर बैठी और देश के अंदर आज की जो पीढ़ी है, उसको आज इस बात की आवश्यकता है कि किसी ने कहा है कि कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है, कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, महल शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। इसलिए मित्रों, ये जो आज का जो भारत है और हम सब नौजवान इस आजाद भारत के अंदर एक आजाद श्वास के साथ जो जीने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे कितने कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। कितना काम उन्होंने इस देश की आजादी के लिए उन सभी क्रांतिकारियों ने किया है। इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस अभियान का प्रारंभ देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आज हम सब लोग कर रहे हैं। तो आज की नौजवान पीढ़ी को ये जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए कि देश की आजादी में किस प्रकार से, चाहे गांधी जी हो या मध्य प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल, झलकारी बाई से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कितने कितने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी भूमिका सर्वस्व नौछावर करके इस देश के अंदर आज इस आजादी के 75 वर्ष हम मनाने के लिए 2022 के अंदर करेंगे। आज उसका शुभारंभ अमृत महोत्सव का यहां से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आज इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए देश की नौजवान पीढ़ी को और आज की पीढ़ी को आह्वान करना चाहता हूं कि हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को फिर एक बार याद करके कि जिन्होंने हमको आजादी दिलाई और उस भारत को आज हम सब लोग अपने जीवन के अंदर उनके अनुकरण के साथ एक संकल्प लेकर के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ देशभक्ति के भाव को जागृत करने का काम जो देश के नौजवान और देश की आम जनता में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबको शुभकामना बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।